दोस्तों अगर आप भी शिखर धवन को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों T20 वर्ल्ड कप में शिखर धवन को ना चुने जाना एक गंभीर मुद्दा बना हुआ है। उसके बाद सोशल मीडिया पर फैंस का गुस्सा जमकर फूट रहा है। लेकिन इस बीच एक खबर काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रही है कि शिखर धवन अब किसी और टीम से खेलते हुए नजर आ सकते हैं। तो क्या है पूरी खबर, चलिए बताते हैं आपको। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि शिखर धवन को T20 वर्ल्ड कप की टीम में शामिल करना चाहिए था या फिर नहीं, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं T20 वर्ल्ड कप का आयोजन अक्टूबर के महीने में होना है, जिसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है, क्योंकि कई टीमों ने तो अपना स्क्वाड भी घोषित कर दिया है। हाल ही में भारतीय टीम ने भी 19 सदस्यीय खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया है, जिसमें हैरान कर देने वाली बात यह रही कि टीम के स्टार सलामी बल्लेबाज शिखर धवन को इस टीम में शामिल नहीं किया गया, जिसके बाद फैंस सोशल मीडिया पर इतनी ज्यादा भड़क गए कि उन्होंने BCCI की जमकर लताड़ लगाई, क्योंकि फैंस का मानना था कि शिखर धवन के अनुभव को देखते हुए T20 वर्ल्ड कप में जरूरत थी इस सलामी बल्लेबाज की, जो भारतीय टीम के लिए पहले भी बेहतर कर चुका है। इसी बात पर दोस्तों सोशल मीडिया पर तो अब शिखर धवन के चयन न होने को लेकर कई अफवाहें भी उड़ रही हैं। लोगों का मानना है कि शिखर धवन अब जल्द ही संन्यास लेने वाले हैं। दोस्तों आपको बता दें कि अगर शिखर धवन इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेते भी हैं तो वो ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश खेलते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि कई युवा खिलाड़ियों को देखा गया है कि वो भारत से संन्यास लेकर अमेरिका में खेलते हुए नजर आए हैं। और इसी तरह से शिखर धवन के पास मौका है कि वो ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग में हिस्सा ले सकेंगे, और इसके अलावा IPL और साउथ अफ्रीका में डोमेस्टिक क्रिकेट होता है, उन सभी में शिखर धवन खेलते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए तो ऐसा लग रहा है कि शिखर धवन भी जल्द ही भारतीय टीम से संन्यास लेकर ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग खेलते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि शिखर धवन की फिटनेस को देखकर ऐसा लगता है कि वो अभी 3 से 4 साल क्रिकेट और खेल सकते हैं। और जिस तरह से उन्होंने विदेशी पिचों पर रन बनाकर दिखाए हैं, वो अपने आप में किसी रिकॉर्ड से कम नहीं है। फिर चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी हो या फिर 2015 का वो वर्ल्ड कप हो, शिखर धवन ने अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से सभी को प्रभावित किया है, और यही कारण रहा है कि फैंस का मानना है कि शिखर धवन जल्द से जल्द भारत से संन्यास लेकर ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते हुए नजर आ सकते हैं। वैसे दोस्तों आप सभी को क्या लगता है कि शिखर धवन को किस देश के लिए खेलना चाहिए, भारत या फिर ऑस्ट्रेलिया या फिर अमेरिका? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।